सत्संग, सतनाम और सतगुरु, ये तीनों सम्मिलित रूप से साधक को अभीष्ट लक्ष्य अर्थात ध्रुव पद तक पहुंचा देते हैं। गुरुदेव में प्रेम पूर्ण विश्वास साधक को एक नवीन जीवन तथा एक नवीन शक्ति प्रदान करता है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा उसके आध्यात्मिक शक्ति केंद्र को जागृत करने में सहायता देता है। आनंद योग के अभ्यास के लिए ये एक मूलभूत सिद्धांत है। आरंभ हो गया ईश्वर और गुरु प्रेम से परिपूर्ण कार्यक्रम आनंद योग। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उत्तर मिला मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि वह एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, यदि आप पहले क्षमा करें और ये सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। फिर आपने ये प्रश्न किया कि आप वायदा करें कि इस प्रश्न से आप नाराज न हो, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वे बोले पूछो, मैं नाराज नहीं हूँगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने उनके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और संन्यास के अपने यम नियम है। ना उसका कोई बीबी, ना कोई उसका बच्चा, ना उसका खेत, ना उसका मकान। शरीर से त्याग हो गया लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं। मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, ऐसी बात नहीं, कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, पश करते हैं कि महाराज कोशिश तो करते हैं, प्रत तो करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है
कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना हृदय में हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्यों से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहाँ है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज़्यादातर व्यक्तियों में किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जब ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए। लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि विख्यात सन्यासी महात्मा थे, ऐसी बहुत सी बातें सुनने में आती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल रहता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। तो इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और ख़ासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो हजार बार सोचना चाहिए कि सन्यास उनके लिए नहीं है। करोड़ पीछे एक दो नज़र आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो ग्रस्ती थे, संसार छोड़ के चले गए, और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन हजार पीछे 999 असफल होते हैं, ना उनकी दुनिया रहती ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया। तो जिन्होंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लिया है उन्हें हजार बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है, उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं, बहुतों की ये धारणा है। और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते, शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है, और अधिकतर लोगों की ये भावना है।
कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता भी बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, राजा जनक को विदेह कहते थे, इतना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, वह राजा था, राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए और इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा, इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं, हम घटाते नहीं, नीति नहीं करते, एक चीज जिंदगी में बढ़ाते हैं, और वो क्या है, वह है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में अपने आप आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं, लाइट आई अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने बड़े महर्षि हो गए, जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ, तो इतना बड़ा मैं ऋषि हुआ। और जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी, बड़ी कठिनाइयों से रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, ग्रस से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो उसके कर्म है वे निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रेत कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बने, तो आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सदगुरुओं ने अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की और हमारे लिए गुर छोड़ गए। अगर हम इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए,
हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, एक बिजनेसमैन है अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता, एक डॉक्टर है अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वो उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती, इंजीनियर है अपने बच्चों को अपने साथ लगा लेता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए ये कुछ गुर छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। मैं इन गुरुओं को आपके सामने रखूंगा, बल्कि मैं इन गुरुओं को दोहराया करता हूं, दोहराने से मुझे बड़ा लाभ होता है, मैं देखता जाता हूं अपनी कमी, मेरी कमी कहाँ है और मैं कितना सुधार कर सकता हूं। यदि आपको ये बातें अच्छी लगें तो आप भी अपनाइए, अपने जीवन में ढालें, अगर ढालेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, इन सदगुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा, दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ईश्वर का ध्यान बना रहेगा और सच्ची निष्कर्म कर्मता प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात, इन संतों ने यह बताई कि परमात्मा ने बड़ी दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है, बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर ईश्वर ने हमें मौका दिया है और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें और प्रतिशील हो तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677 और 9811551713। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@absatsang.com। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.absatsang.com।